गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एंजाइम का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एंजाइम की क्रियाविधि। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो तो इस टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से एंजाइम क्रियाधारों से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइमों की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से एंजाइमों एवं क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। कह सकते हैं एंजाइम की जो क्रिया प्रणाली होती है वो एंजाइम अणु तथा एंजाइम अणु से जुड़ने वाले क्रियाकारक अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। इन दोनों की प्रकृति सही रूप से अनुकूल होती है तभी उत्पाद का निर्माण हो पाता है। चलो देखते हैं एंजाइमों की कार्यप्रणाली को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, अर्थात एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए दो बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से वो? नंबर एक, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, और नंबर दो, सक्रियण ऊर्जा में कमी। इन दो बिंदुओं के माध्यम से हम एंजाइम द्वारा क्रियाधारों के प्रतिक्रिया तथा उससे होने वाले उत्पाद निर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर एक, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, और नंबर दो, सक्रियण ऊर्जा में कमी। अर्थात कह सकते हैं एंजाइम की क्रियाविधि मुख्य रूप से दो बिंदुओं के माध्यम से समझी जाती है, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण और नंबर दो, सक्रियण ऊर्जा में कमी। चलो तो अब हम पढ़ते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण किस प्रकार से होता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम अध्ययन करते हैं एंजाइम क्रियाविधि के प्रथम टॉपिक एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के बारे में, किस प्रकार से वो क्रिया को दर्शाते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण को पढ़ने से पहले हमें दो छोटी छोटी परिभाषाओं को याद रखना होगा। कौन कौन सी होगी वो? नंबर एक, क्रियाधार। क्रियाधार क्या होते हैं? और नंबर दो, सक्रिय स्थल क्या होते हैं? इन दो बिंदुओं की परिभाषा हमें अच्छे से याद रखनी होगी। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले क्रियाधार क्या होते हैं। क्रियाधार वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करते हैं या क्रिया करते हैं। वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करते हैं, याद रखना बार बार काम आएगा। वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करते हैं क्रियाधार कहलाता है। उसके बाद सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल क्या होते हैं? एंजाइमों पर पाए जाने वाले स्थल या स्थान जिस पर क्रियाधार जुड़ते हैं। जिस पर क्रियाधार जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वो सक्रिय स्थल। अच्छे से याद रखिए, क्रियाधार वह पदार्थ जिस पर एंजाइम क्रिया करते हैं क्रियाधार कहलाते हैं। क्रियाधार से मिलकर एंजाइम उत्पाद को बनाते हैं। सक्रिय स्थल एंजाइमों पर पाए जाने वाले वे स्थल जिस पर क्रियाधार जुड़ते हैं, तो वो स्थल क्या कहलाते हैं? सक्रिय स्थल कहलाते हैं। डायग्राम की सहायता से समझते हैं। चलो इसे, ये एक पूर्ण एंजाइम की संरचना, प्रोटीनीय भाग और अप्रोटीनीय भाग। अब बात करते हैं क्रियाधार क्या होते हैं। क्रियाधार को बोलते हैं सबस्ट्रेट। याद रखिए, क्रियाधार को बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये हो गए क्रियाधार या सबस्ट्रेट।
क्या होते हैं सब्सट्रेट? वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करते हैं या क्रिया करते हैं, और सक्रिय स्थल एंजाइमों पर पाए जाने वाले स्थान जिस पर क्रियाधार जुड़ते हैं वो सक्रिय स्थल कहलाते हैं। तो एंजाइमों पर इस प्रकार से स्थान उपस्थित होते हैं, इन स्थानों को हम सक्रिय स्थल कहते हैं। अर्थात एंजाइमों पर उपस्थित सक्रिय स्थलों पर ही क्रियाधार आकर जुड़ते हैं, और क्रियाधार, ये हमारा क्रियाधार हो गया, ये उड़कर किस पर जुड़ जाएगा? इस एंजाइम पर, इन सक्रिय स्थलों पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया एंजाइम का सक्रिय स्थल। समझ में आ गया आपको? चलो तो अब इन क्रियाधार और सक्रिय स्थल को समझने के पश्चात प्रथम क्रिया पढ़ते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण। किस प्रकार से एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्मित होता है? एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, इसको अच्छे से अध्ययन कर दें। सभी एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या क्रियाधारों, जिसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। सभी एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों के साथ जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। सभी एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। अर्थात एंजाइम प्लस में क्रियाधार, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। ये जब दोनों आपस मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट। ये दोनों संरचना आपस में मिल गई, ई प्लस में एस, एंजाइम और सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका निर्माण हो गया। अब जब दोनों मिल जाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, अर्थात क्रिया अभिक्रिया के लिए पूर्ण रूप से अणु का निर्माण करते हैं, तब इसके पश्चात किसका निर्माण होता है? तब इसके पश्चात बनता है उत्पाद। उत्पाद बनने के पश्चात एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग हो जाते हैं, अंत में फिर एंजाइम को छोड़ दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण में सभी एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों के साथ जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं,
कि एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्मित होने के पश्चात उत्पाद बनते हैं, उत्पाद निर्मित होने के पश्चात एंजाइमों को मुक्त कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जब दोनों मिल गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अर्थात एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने के पश्चात उत्पाद बन जाते हैं, उत्पाद जब निर्मित हो जाते हैं तो उत्पाद में से एंजाइमों को पुनः त्याग दिया जाता है या बाहर छोड़ दिया जाता है। तो लेते हैं, निर्माण करते हैं, तथा अभिक्रिया के दौरान अंत में उत्पाद निर्मित कर एंजाइमों को मुक्त कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो ये क्रिया तो हो गई हमारे एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की। अब एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की क्रिया को दो रूपों में समझा जा सकता है, या एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कौन कौन से सिद्धांत थे वो, चलो उनका अध्ययन कर दें। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के तहत दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, नंबर एक ताला कुंजी सिद्धांत, दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, नंबर एक ताला कुंजी सिद्धांत और नंबर दो प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की क्रिया को समझाने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, ताला कुंजी सिद्धांत और नंबर दो प्रेरित आसंजन सिद्धांत। चलो तो आप इन दोनों सिद्धांतों का अच्छे से अध्ययन करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछली बार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया था, ताला कुंजी सिद्धांत को अच्छे से समझाइए, प्रेरित आसंजन सिद्धांत को समझाइए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों का हम अध्ययन करते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के अंतर्गत। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों का अध्ययन करते हैं। चलो तो अब हम एंजाइम क्रियाधार संकुल के प्रथम सिद्धांत ताला चाबी सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत मोस्ट सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या बताया कि एंजाइम क्रियाधार संकुल किस प्रकार से निर्मित होता है, चलो तो समझते हैं। यह सिद्धांत ईमिल फिशर द्वारा सन 1898 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले को एक विशेष चाबी की सहायता से खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार क्रियाधार अणु विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण होने के पश्चात एंजाइम क्रियाधार संकुल टूट जाता है, टूटकर उत्पाद को बनाता है और उत्पाद निर्मित होने के पश्चात वो एंजाइम को मुक्त कर देता है। इस क्रिया के दौरान एंजाइम एक ताले के रूप में तथा क्रियाकारक एक चाबी के रूप में क्रिया करते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्रिया एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाता है। चलो तो इस सिद्धांत को समझते हैं, ताला चाबी सिद्धांत। यह सिद्धांत ईमिल फिशर नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1898 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले को विशेष चाबी द्वारा खोला जा सकता है या खोला जाता है,
इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले को विशेष चाबी द्वारा खोला जाता है, ठीक उसी प्रकार एक क्रियाधार अणु एक विशेष क्रियाधार अणु एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करता है। संकुल निर्माण के पश्चात संकुल टूटकर उत्पाद को बनाता है। तथा एंजाइम को मुक्त कर देता है। तो ताला चाबी सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया कि एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसे बनता है। इस सिद्धांत में बताया कि जिस प्रकार एक विशेष ताले को विशेष चाबी की सहायता से खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार का अणु एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल को बनाता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के पश्चात एंजाइम क्रियाधार संकुल टूट जाता है जो उत्पाद को बनाता है। उत्पाद निर्मित होने के पश्चात एंजाइम को पुनः उससे मुक्त कर दिया जाता है। मुक्त हुआ एंजाइम पुनः किसी अन्य क्रियाधार के से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल को बना सकता है। तो इस प्रकार से ताला चाबी सिद्धांत के माध्यम से संकुल निर्माण की क्रिया को समझाया गया। एंजाइम को मुक्त कर देता है। इस क्रिया में ताले के रूप में एंजाइम तथा चाबी के रूप में क्रियाधार या सबस्ट्रेट अणु कार्य करते हैं। इस क्रिया में ताले के रूप में एंजाइम तथा चाबी के रूप में क्रियाधार अणु कार्य करते हैं। तो आपको ताला चाबी सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो आप इस सिद्धांत को डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। ताला चाबी सिद्धांत में क्या बताया था? इस सिद्धांत के अंतर्गत जिस प्रकार एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, तो ये तो हो गया एक विशेष ताला। ताले को नाम दे दिया है एंजाइम।
ताला बराबर में एंजाइम। इस ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। इस ताले को एक विशेष चाबी के द्वारा खोला जा सकता है। तो ये चाबी को नाम दे दिया क्रियाधार या सबस्टेट, इसका नाम हो गया सबस्टेट। ठीक है, क्रियाधार चाबी। अब क्या होता है, जिस प्रकार एक विशेष ताले को एक विशेष चाबी की सहायता से खोला जाता है, उसी प्रकार ठीक एक विशेष क्रियाधार के अणु एक विशेष एंजाइम की सक्रिय स्थल से जुड़कर क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। तब क्या होगा, इस चाबी को बनाते हैं तो किसका निर्माण करेगा, जिस प्रकार किसका निर्माण हो गया, यह बन गया एंजाइम, ये हो गया क्रियाधार, दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, एंजाइम क्रियाधार संकुल। तो लिख सकते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निर्मित हो गया। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के माध्यम से एंजाइम क्रियाधार संकुल को समझाएगा। अब एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्मित हो गया, अभिक्रिया के अंत में क्या बनता है, जब ये दोनों आपस में टूटते हैं, इससे अलग होते हैं, क्रिया कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के पश्चात किसका निर्माण होता है, कंप्लीट क्रिया कंप्लीट होने के पश्चात उत्पाद निर्मित हो जाता है, और उत्पाद निर्मित होने के पश्चात इस एंजाइम को मुक्त कर दिया जाता है, उत्पाद प्लस में एंजाइम। तो इस प्रकार से ताला चाबी सिद्धांत के माध्यम से आपको क्रियाधार संकुल एंजाइम क्रियाधार संकुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यह सिद्धांत भी एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण को अच्छे से समझा नहीं पाता, एंजाइम की क्रिया को समझा नहीं पाता। अब इसके लिए जो दूसरा सिद्धांत है, मोस्ट सिद्धांत है, वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत को एंजाइम क्रियाविधि का मुख्य सिद्धांत भी माना जाता है। तो आप जल्दी से इसे ताला चाबी सिद्धांत की परिभाषा और इसके डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, जिसमें ताला इंगित करता है एंजाइम को, चाबी इंगित करती है क्रियाधार या सबस्ट्रेट को, दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो इंगित होता है एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाता है, और संकुल निर्माण होने के पश्चात उत्पाद फिर एंजाइम को मुक्त कर दिया जाता है। ये तो हो गया हमारा ताला चाबी सिद्धांत। आप पढ़ते हैं इसके बाद प्रेरित आसंजन सिद्धांत के बारे में। चलो बात करते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल के दूसरे सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, जो कि बहुत मोस्ट सिद्धांत है, एंजाइम क्रियाविधि को अच्छे से समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से एंजाइम क्रियाधार से क्रिया कर पाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से कैसे बताया कि एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसे बनता है, चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कोसलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1966 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताया गया कि जो एंजाइम होते हैं उनके जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं, अर्थात वो लचीलेपन लिए होते हैं। अब इसके पश्चात जो सबस्ट्रेट के अणु हैं वो अपने आकार में होते हैं, वो अपने आकार में ही बने रहते हैं, लेकिन जब सबस्ट्रेट के अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल पर आते हैं तो एंजाइम के सक्रिय स्थल अपना रूप बदलकर क्रियाधार के अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात जिस प्रकार के क्रियाधार होते हैं उसी प्रकार में सक्रिय स्थल परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होने के पश्चात दोनों आपस में मिल जाते हैं,
दोनों आपस में मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्मित हो जाता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल जब निर्मित हो जाता है तो उसके पश्चात उत्पाद और अंत में एंजाइमों को मुक्त कर दिया जाता है। चलो तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत को समझते हैं। यह सिद्धांत कोसलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1966 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइमों पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं। इस सिद्धांत में क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइमों पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल दृढ़ अर्थात कठोर नहीं होते हैं। वेब राय लचीले लचीलेपन में होते हैं। ये हम कह सकते हैं जो एंजाइम की जो बाह्य परत होती है वो प्राय लचीली होती है, स्मूथ होती है, कोमल होती है। वे प्राय लचीलेपन लिए होते हैं, किंतु क्रियाधारों के अणु कठोर एवं अपना सही रूप लिए होते हैं। लेकिन जब ये क्रियाधार के अणु एंजाइमों के सक्रिय स्थल के पास आते हैं तो एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधारों के अनुरूप हो जाते हैं जिससे क्रियाधार एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं।
एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। संकुल निर्माण होने के पश्चात संकुल टूटकर उत्पाद निर्मित करते हैं। उत्पाद निर्मित करते हैं तथा एंजाइमों को मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाता है। प्रेरित आसंजन सिद्धांत एंजाइमों की क्रियाविधि का सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि जो एंजाइम होते हैं उनकी जो सतह होती है उस पर सक्रिय क्रियास्थल उपस्थित होते हैं, लेकिन वो सक्रिय क्रियास्थल अपने लचीलेपन में उपस्थित होते हैं, अर्थात दृढ़ नहीं होते हैं। किंतु जो क्रियाधार के अणु होते हैं वो अपने कठोर रूप में ही होते हैं, लेकिन जैसे ही क्रियाधार के अणु एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं तो एंजाइमों के सक्रिय स्थल क्रियाधार अणु के अनुरूप हो जाते हैं, जिस कारण उसे अच्छी तरह वो जुड़ सकते हैं या जुड़ पाते हैं। दोनों के जुड़ने पर एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्मित हो जाते हैं और निर्मित होने के पश्चात उत्पाद बनते हैं। उत्पाद बनने के पश्चात एंजाइमों को मुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रेरित आसंजन सिद्धांत के माध्यम से एंजाइम क्रियाधार संकुल को समझाया गया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर डायग्राम की सहायता से इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलो तो अब प्रेरित आसंजन सिद्धांत को डायग्राम की सहायता समझने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत में बताया कि जो एंजाइम होते हैं उनके जो सक्रिय स्थल होते हैं वो प्राय कठोर नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं या लचीलेपन लिए होते हैं। जबकि जो क्रियाधार होते हैं उसके अणु कठोर होते हैं या वो अपने रूप में होते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया? सबस्ट्रेट एंजाइम प्लस में क्रियाधार। अब यहां पे आप देखो, अगर मैं इस क्रियाधार को उठा के इस एंजाइम में रखना चाहूं तो वो आसानी से फिट नहीं होंगे, वो आसानी से इसमें जुड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जुड़ पाएंगे? क्योंकि इसकी जो अणुसंरचना है वो प्राय कठोर है, लेकिन इसकी जो संरचना बाहर निकली हुई है ये लचीलेपन के लिए है। हम बात कर रहे थे ताला चाबी सिद्धांत में बताया गया था कि जिस प्रकार से एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं उसी प्रकार से क्रियाधार के सक्रिय स्थल होते हैं, लेकिन प्रेरित आसंजन सिद्धांत बताया गया कि जो एंजाइम होते हैं उनके जो सक्रिय स्थल होते हैं वो लचीलेपन लिए होते हैं, लेकिन क्रियाधार के जो अणु होते हैं वो कठोर रूप में होते हैं, अपने जैसा रूप होता है उसी रूप में होते हैं। अब क्या ये आपस में जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे ना। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही ये क्रियाधार उठकर क्रियाधार का अणु उठकर इस एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम के क्रिया स्थलों का रूप भी बदल जाता है, अर्थात उनके सक्रिय स्थल का जुड़ान क्षेत्र भी बदल जाता है। तो किस प्रकार से होगा, चलो देखते हैं इसे। जैसे ही हम इसको उठाकर इसके पास लेके आए एंजाइम का सक्रिय स्थल, जैसे ही इस भाग को उठाकर इसके पास लेके आए तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, जिसके कारण एंजाइम आसानी से इसमें सक्रिय स्थल आसानी से इसमें जुड़ पाता है। इसके अनुरूप हो गया, जैसे इसकी साइज थी बाहरी अणु की साइज थी उसी साइज में इसका सक्रिय स्थल बदल गया। सक्रिय स्थल बदलने से आपस में दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? क्रियाधार एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम क्रियाधार
संकुल निर्मित हो गए। अब जब संकुल निर्मित हो गए तो उसके पश्चात में अभिक्रिया के दौरान वो उत्पाद को बनाते हैं, और जब उत्पाद बन जाता है तो एंजाइम को मुक्त कर दिया जाता है, एंजाइम को मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्रेरित आसंजन सिद्धांत के माध्यम से एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की प्रक्रिया को समझाया गया। इसमें डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंजाइम के जो क्रिया स्थल होते हैं वो लचीलेपन लिए होते हैं, क्रियाधार के अणु अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन जैसे ही क्रियाधार के अणु एंजाइम की सतह से जुड़ते हैं तो एंजाइम भी अपना रूप क्रियाधार के अणु के समान कर लेता है, जिसके कारण वो दोनों आसानी से जुड़ पाते हैं। दोनों आपस में जुड़ जाने के पश्चात एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने से उत्पाद बनते हैं, और उत्पाद निर्मित होने के पश्चात एंजाइमों को मुक्त कर दिया जाता है। ये एंजाइम पुनः किसी अन्य क्रियाधार से जुड़कर पुनः एंजाइम क्रियाधार संकुल को बना लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम सिद्धांत एंजाइम क्रियाधार संकुल के दोनों सिद्धांतों को समझा दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं एंजाइम क्रियाविधि के द्वितीय सिद्धांत के बारे में, द्वितीय बिंदु के बारे में, सक्रियण ऊर्जा में कमी के बारे में। आप इसे जल्दी से बना लीजिए। चलो तो अब एंजाइम क्रियाविधि के दूसरे सिद्धांत सक्रियण ऊर्जा में कमी के बारे में इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाधारों को अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह कुछ या न्यूनतम मात्रा ही ऊर्जा का सक्रियण कहलाती है या ऊर्जा सक्रियण कहलाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः प्रारंभ नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए क्रियाकारकों को कुछ ना कुछ मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। जंगल की आग बहुत भयंकर बड़ी होती है, बहुत भयंकर भयानक होती है, लेकिन उस आग को लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक उस छोटी सी चिंगारी से आग को नहीं लगाया जाएगा तो इतने बड़े जंगल में आग भी नहीं फैलेगी। अर्थात जंगल में आग लगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता जरूरी होती है। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए क्रियाधारों के लिए भी ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा आवश्यक होती है। ऊर्जा की वही न्यूनतम मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। चलो तो सक्रियण ऊर्जा को अब हम एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। बहुत मोस्ट है, बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। सक्रियण ऊर्जा को ग्राफ के द्वारा समझाइए। साधारणतः क्या होता है, साधारणतः उच्च ताप पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आसानी से तीव्र गति से होती है। साधारण ताप पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्रियाधारों के आधार पर तीव्र गति से होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई तीव्र गति से हुई, क्रियाधार एंजाइम की अनुपस्थिति और एक को अच्छे से समझिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उच्च ताप पर एंजाइमों की अनुपस्थिति में तीव्र गति से होती है। तो हमारे क्रियाधार था ग्राफ में अभिक्रिया तीव्र गति से हुई, किसकी अनुपस्थिति में, एंजाइम की अनुपस्थिति में एवं उच्च ताप, उच्च ताप पर तीव्र गति से हुई। लेकिन क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम उत्पन्न हो जाते हैं या एंजाइम क्रिया कराते हैं तो क्रियाधार की अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं की दर धीमी पड़ जाती है, इस प्रकार से धीमी पड़ जाती है, तो इससे
इसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की उपस्थिति उसके सक्रियण ऊर्जा की दर को कम कर देती है, जिसके कारण अभिक्रिया स्वतः धीरे होने लगती है। तो प्रथम उत्पाद, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, जो प्रथम ऊर्जा दी, जो प्रथम क्रियाविधि दी, इसमें क्रियाधार एंजाइम की अनुपस्थिति में एवं उच्च ताप पर तीव्र अभिक्रिया दर्शाता है। तीव्र अभिक्रिया दर्शाने के पश्चात वो जल्द ही उत्पाद को निर्मित कर देता है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम उपस्थित होते हैं तो एंजाइम क्रियाधारों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या उसकी सक्रियण ऊर्जा में कमी ला देते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा में कमी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको सक्रियण ऊर्जा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और इस आरेख को भी अच्छे से बना लीजिए। एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति सामान्य ताप, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उच्च ताप पर प्रारंभ किया जाता है और एंजाइम को अनुपस्थित रखा जाता है तो अभिक्रिया की दर तीव्र होती है, अभिक्रिया जल्दी ही संपन्न हो जाती है। किंतु यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम की उपस्थिति में और सामान्य ताप पर करवाया जाता है तो एंजाइम क्रियाधारों की सक्रियण ऊर्जा में कमी ला देता है, जिसके कारण अभिक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो इसे सक्रियण ऊर्जा में कमी कहते हैं। आप अच्छे से डायग्राम और आरेख को बना लीजिए। आज का टॉपिक एंजाइमों की क्रियाविधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक और एंजाइम के नामकरण का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।